जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं हमारे समस्त चैनल और आज हम फिर से मौजूद हैं सुर संगम स्टूडियो में, जहां की एमजे म्यूजिकल ग्रुप की ओर से एक करोके शो का आयोजन किया गया। और मेरे साथ में आप देख सकते हैं शो के ऑर्गेनाइज़र सिंगर हमारे मुकेश जैन जी हैं, चंचल लोहाट जी हैं और उनके साथ में कुछ और अतिथि हमारे साथ में मौजूद है। ये बात करते हैं सबसे पहले मुकेश जैन जी से ही और जानते हैं आज का प्रोग्राम जो किया है कितना सक्सेस रहा और किन लोगों का इन्हें सपोर्ट मिला और क्या आज के प्रोग्राम से ये मैसेज देना चाहेंगे। जैन साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, 3 बजे से स्टार्ट हो गया था और हमारे भाई नदीम जी भी 3 बजे से यहाँ पर आ गए थे और उसके बाद अब इंटरव्यू के लिए समय मिल पाया थोड़ा सा और तब से लेके अभी तक हम सिंगरों के आयोजन में बिजी थे और अभी भी सिंगिंग चल रही है। काफ़ी सफल और बढ़िया शानदार प्रोग्राम रहा। जिन जिन को बुलाया वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित, सभी लोग आए हैं जितने भी सिंगर्स थे। अच्छा, जैसे कि सपोर्टर्स की बात करें तो किन का कहना चाहेंगे, किन का धन्यवाद करना चाहेंगे? देखो, लक्की कश्यप जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी का भी हमारा सहयोग बना रहता है हमेशा और लक्की कश्यप जी का, दोनों हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हमारी टीम मजबूत है और ये हमेशा हमारे साथ और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, पी न्यूज़ के बारे में क्या कहेंगे? पी न्यूज़ बहुत अच्छा शानदार चैनल है और जैसे ही कोई कवरेज ये करते हैं तो अगले दिन तुरंत आ जाती है और सबसे एक्टिव, आज की तारीख में सबसे एक्टिव न्यूज़ चैनल पी न्यूज़ चैनल। नदीम जी का बड़ा शानदार चैनल है ये और हमेशा ये हमारे साथ बने रहते हैं। जी, वो तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे ही। चंचल जी, आपका क्या मैसेज रहेगा आज जो ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है, और क्योंकि आप भी प्लेबैक सिंगर भी हैं और बहुत टाइम से एमजे म्यूज़िकल ग्रुप से और पी न्यूज़ से जुड़ी हुई हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा? आज का यही मैसेज है कि बहुत अच्छा लगता है मुझे मुकेश सर जी के साथ काम करने में और ये बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी जाओ वहीं मेरे को लेके जाते हैं, चंचल जी आज यहाँ पे चलो, यहाँ पे जहाँ पे भी मतलब मेरा काम हो सकता है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, ये मुझे वहीं ले जाते हैं। और दूसरा तो नदीम सर जी तो हैं ही हमें फेमस करने के लिए, इनका भी बहुत सपोर्ट है, बहुत हाथ है हमारे साथ। अच्छा। और ये हमारे सर जी हैं जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी थी अपनी सिंगिंग को लेके, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। ये मेरे भाई भी हैं, ये मेरे पापा भी हैं, सब कुछ है, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्या बात है, मतलब कि चंचल लोहट को आप जो इतनी अच्छी सिंगिंग करते हुए देखते हैं, वो इनके गुरुजन आज साथ में हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं और कैसा इनका सफ़र चंचल के साथ रहा है और आज के प्रोग्राम के बारे में क्या रिव्यू इनका रहता है जानते हैं। सर, स्वागत है आपका भी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, क्या कहना चाहेंगे सर सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मुकेश जी ने बहुत अच्छा कर रखा है सब कुछ, लोगों को चांस देते हैं, लोगों को, लोग अपने एंजॉय करते हैं आके यहाँ पर स्टेज के ऊपर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है इनके लिए। अच्छा, जैसे कि चंचल है आपके शिष्य भी रही है, नहीं शिष्य है और आज भी मानती है आपको गुरु कि बच्चों में हमने देखा है कि जो पुराने होते हैं उन्हें भूल जाते हैं, नए को याद रखते हैं, बट ये बच्ची ऐसी है जो हमेशा याद रखती है। नहीं, ये बहुत, चंचल बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत मेहनत करती है अपने आप में, बहुत अच्छी है, इसकी मेहनत यह जो आज इसको यहाँ पर लेके आई है जी। अच्छा सर, क्या मैसेज, क्या आशीर्वाद आज आप संगीत जो आपने सुना है यहाँ पे, नए कलाकार आपको देखने के लिए मिले, इन लोगों को क्या ब्लेसिंग आशीर्वाद आप आज देना चाहेंगे अपने मुख से? ये ठीक है, लोग अपना आते हैं, एंजॉय करते हैं, जिनको अपने अपनी प्रतिभा निकालने के लिए उनको एक स्टेज मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये, आगे इनको कुछ ना कुछ अच्छे बड़े प्रोग्राम मिलेंगे जरूर जी। धन्यवाद, मैं मैम से भी बात करूँगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद हूँ मुकेश सर का और चंचल जी का जिन्होंने हमें यह इनवाइट किया, और जिस तरह से अभी चंचल ने कहा कि ये मेरे गुरु भी हैं, सब कुछ है, एक्चुअली हमने तो सिर्फ चंचल को रास्ता दिखाया था जी। लेकिन मेहनत है, जो एफर्ट्स है और जो सीखने की लगन है, वो सब इन्हीं में है सबसे पहले। नहीं, वो तो है, वो तो है,
बच्चे अगर किसी को माँ बाप का दर्जा देते हैं तो गुरु से बड़ा दर्जा तो मेरे ही निगाह में कोई है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, हमने तो रास्ता दिखाया लेकिन हमने अपनी तरफ से बेस्ट टीचर्स अपने पास अपने यहाँ बुलाए ताकि जो जितने भी बच्चे आए चंचल है और भी हैं वो अच्छे से अच्छा सीख सकें। बिल्कुल, और जो बिल्कुल, और सर जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं बल्कि वो तो अच्छा है अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए, एक रास्ता और बनाते हैं आगे जाने के लिए जिससे कि हम छोटे स्टेज से बड़े स्टेज पर जा सकें सर। तो हमारी तरफ से हमेशा बेस्ट विशेज़ हैं और चंचल के लिए, और ये जो पी न्यूज़ है मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्हीं के माध्यम से शायद हम भी अपना मास स्टूडियो का कुछ हम अपना काम कर सके साथ में, लेकिन सबसे पहले थैंकफुल है मुकेश सर के जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया सर। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर जो मैम ने अभी स्टूडियो का जिक्र किया उसके बारे में बताइए। सर हमारे मास स्टूडियो शास्त्री नगर के अंदर है, जो अच्छे सिंगर जो हैं हम उनको चांस देते हैं, उनको प्रतिक्रिया लेके जाते हैं। अगर कोई वहाँ पे विजिट करना चाहे या आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे सिंगिंग के लिए सीखने के लिए, क्योंकि एक शिष्य सबके सामने है, तो कैसे जुड़े आपसे? नहीं हमारा सब कुछ है उसके गूगल के ऊपर आप सर्च कीजिए मास स्टूडियो फिल्म इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ पर आपका सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैम चंचल और जैन साहब, आप लोगों ने यहाँ पे जो आज शाम रचाई है और जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे आके अपनी उपस्थिति दी है, हम भी यही चाहेंगे आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और गुरुओं का आशीर्वाद तो हमें मिलता रहे। और मेरे बड़े भाई हैं मुकेश जैन, पी न्यूज़ और हमारे समाज चैनल हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। थैंक यू सो मच।